फ्रेंड्स, हम एक नया ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ऑटोडेस्क रैबिट आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। और ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क रैबिट आर्किटेक्चर, वो वाइडली यूज होता है सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सभी लोग ये सॉफ्टवेयर को इजिली यूज कर सकते हैं। और उसमें से 3D एलिवेशन सेक्शन वो सब कुछ उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। सो हम ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि उसमें कौन कौन से कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे क्रिएटिंग वॉल्स फाउंडेशन, कि किस तरीके से वॉल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से फाउंडेशन हम रैबिट में क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम आउटर पेरिफेरी वॉल क्रिएट करेंगे, फिर इंटीरियर जो वॉल है वो भी क्रिएट करेंगे, फिर प्लेसिंग डोर्स, विंडोज, कंपोनेंट, फर्नीचर, वो सब कंपोनेंट्स हम प्लेस करेंगे। फिर फ्लोर को हम क्रिएट करेंगे, फ्लोर को एडजस्ट करेंगे, फ्लोर के ऊपर मटेरियल देंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो कॉलम्स बीम्स को प्लेस करेंगे और उसको प्रॉपरली पोजीशन में अलाइन करेंगे। फिर स्टारकेस हम क्रिएट करेंगे और स्टारकेस क्रिएट करते वक्त हम डिफरेंट उसके जो एडवांस ऑप्शन है उसको भी हम डीप में देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो क्रिएटिंग द रूफ्स, कि किस तरीके से हम रूफ को ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के रूप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर क्रिएटिंग द बिल्डिंग सेक्शंस, तो हम डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो क्रिएटिंग इंटीरियर एलिवेशन, तो हम इंटीरियर एलिवेशन को भी हम क्रिएट करेंगे। फिर साइट टोपोग्राफी हम क्रिएट करेंगे। फिर मॉडलिंग किचन एंड बाथरूम, तो किचन की सभी कंपोनेंट्स है वो भी हम प्लेस करेंगे, बाथरूम के बाथरूम को मॉडलिंग करेंगे प्रॉपरली। फिर फिनिशिंग द एक्सटीरियर विथ मटेरियल, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, वो सभी कंपोनेंट प्लेस करके उसको फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद उसको रेंडरिंग करेंगे और फाइनली जो रैबिट का आउटपुट है शीट्स, तो वो हम शीट्स को क्रिएट करेंगे और उसको प्रिंटिंग भी करेंगे। सो आई होप दैट यू विल बी जॉइन विथ मी इन दिस ट्रेनिंग सीरीज, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग सीरीज। And I am guaranteed to you, once you complete this training, you will be confidently use any kind of project, your own project or new project in the Revit with confidently. Until unless you will have the proper practice.